हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, दीन बंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुरथल यानी कि डीक्रस्ट सोनीपत ने भी अपने इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ फुल इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग शेड्यूल ऑफ डीक्रस्ट सोनीपत। साथ ही में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे आपको और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपको ओपन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते वक्त ध्यान में रखनी है। हाय फ्रेंड्स, इट्स मी अरुण सोलेत। इफ इट्स योर फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माय लेटेस्ट वीडियोस। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं जो कि आपको डीक्रस्ट सोनीपत की ओपन काउंसलिंग या इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते वक्त ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ने से पहले भाई, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि अगर ऑडियो में थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉइस वगैरह आए तो भाई माफ कर देना। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि जितनी कम हो सके उतनी कम बैकग्राउंड नॉइस आए, लेकिन फिर भी भाई जिस एनवायरमेंट में मैं फिलहाल आज की वीडियो शूट कर रहा हूं, थोड़ी साउंड वगैरह नॉइस वगैरह ज्यादा है। ठीक है, चलिए भाई अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। तो भाई सबसे पहला पॉइंट है यार, फॉर सीकिंग एडमिशन द कैंडिडेट शुड प्रेजेंट हिमसेल्फ इन पर्सन बिफोर द एडमिशन कमेटी। ठीक है, नो रिप्रेजेंटेटिव विल बी एंटरटेन्ड ऑन बिहाफ ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, सेकंड पॉइंट है भाई, प्रोवाइड वर्किंग मोबाइल नंबर्स एंड वैलिड ईमेल एड्रेस इन एप्लीकेशन फॉर्म। ऑल करस्पॉन्डेंस विल बी डन थ्रू द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो भाई ये पॉइंट यार बहुत ज़्यादा जरूरी है, जब भी आप फॉर्म अप्लाई करो कोशिश यही करना कि जो भी आप मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाले वो आपकी खुद की हो, ना ही आपके किसी फ्रेंड की हो, ना ही आपके पेरेंट्स की हो। किसी और का मोबाइल नंबर या फिर मेल आईडी प्रोवाइड करवा दोगे तो उससे क्या दिक्कत होगी? तो भाई दिक्कत ये होगी भाई, जो भी आपका एडमिशन रिलेटेड स्टफ आएगा भाई, सेमेस्टर फी पे करने के लिए भी जो लिंक आता है भाई, वो भी आपका उसी मोबाइल नंबर या फिर उसी मेल आईडी पर आता है। थर्ड पॉइंट आता है भाई, द कैंडिडेट्स नीड टू पे द एडमिशन सेमेस्टर फी ऑन द स्पॉट टू रिजर्व दियर सीट। ठीक है, नॉन पेमेंट ऑफ फी बाय द कैंडिडेट विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ हिज हर सीट एंड द सीट विल बी कंसीडर्ड वैकेंट एंड विल बी ऑफर्ड टू द नेक्स्ट वेटिंग कैंडिडेट। बिल्कुल समझ में आ गया होगा भाई, जो भी आपका जैसे ही आपको सीट अलॉट होती है भाई, आपको ऑन द स्पॉट आपके जो एडमिशन फी होती है, सेमेस्टर फी होती है, वो पे करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो भाई आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा और जो आपकी सीट है वो नेक्स्ट वेटिंग कैंडिडेट को दे दी जाएगी। द मोड ऑफ पेमेंट ऑफ फी विल बी थ्रू ऑनलाइन यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग। तो भाई ये थे यार आपके तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको पता होने चाहिए थे, अब पता चल चुके हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे आपको एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। तो यार आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में चाहिएगा रैंक कार्ड ऑफ जेई मेंस, 12th मार्कशीट और डिप्लोमा सर्टिफिकेट, 10th मार्कशीट, हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट यानी कि डोमिसाइल। भाई ये आपको तब देना पड़ेगा अगर आपने आपकी 10th और 12th हरियाणा से नहीं करी, किसी अदर स्टेट से करी है। ठीक है, अगर आपने 10th और 12th आपके हरियाणा के ही किसी स्कूल से करी तो भाई आपको डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट आपको चाहिएगा भाई कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप जिस भी कैटेगरी में लाइक करते हैं देख लेना, वो कैटेगरी सर्टिफिकेट भाई आपको ले जाना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ एनुअल पेरेंटल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज। ठीक है भाई, ये आपको देना पड़ेगा यार अगर आप एक TFW कैंडिडेट हो या फिर आप एक बैकवर्ड कास्ट कैंडिडेट हो। एक बात का और ध्यान रखना भाई, जो भी आप ये सर्टिफिकेट लेके आओगे वो आपका 1st अप्रैल 2021 से पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट भाई आपको रिक्वायर्ड होगा यार इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आप एक EWS कैंडिडेट हो तो भाई आपको इनकम सर्टिफिकेट भी अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जिसके अंदर आपकी पेरेंटल एनुअल इनकम जो है भाई वो 6 लाख से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट भाई आपको चाहिएगा रिलेवेंट कश्मीरी माइग्रेंट सर्टिफिकेट अगर आप एक कश्मीरी माइग्रेंट कैंडिडेट हो। और भाई लास्ट बट नॉट द लिस्ट आपको चाहिएगा रिलेवेंट सर्टिफिकेट ऑफ HGST यानी कि हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल टॉपर। तो भाई ये तैयार आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई करते हो भाई उस हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट्स लेकर चले जाना। तो भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमने जान लिए, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड भी हमने जान लिए। अब यार हम आ जाते हैं मेन मुद्दे की बात पे जिसके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, वो है भाई शेड्यूल फॉर इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग। एप्लीकेशन फी है भाई आपकी ₹1000 पर कैंडिडेट और शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट के लिए भाई ये एप्लीकेशन फी है ₹250 पर कैंडिडेट। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है भाई आपकी 20 अक्टूबर 2021। मेरिट लिस्ट विद अलॉटेड इंस्टीट्यूट लेवल रैंक भाई आपकी डिस्प्ले हो जाएगी 21st अक्टूबर 2021 को by 5 PM। अब भाई आप में से कुछ स्टूडेंट्स के मन में डाउट हो सकता है कि ये इंस्टीट्यूट लेवल रैंक क्या होता है, हमने तो CRL रैंक सुनी है, कैटेगरी रैंक सुनी है, लेकिन इंस्टीट्यूट लेवल रैंक तो हमने कहीं नहीं देखी। तो भाई इंस्टीट्यूट लेवल रैंक कुछ भी नहीं है भाई, जितने भी स्टूडेंट्स आपके 20 तारीख से पहले पहले इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग के लिए फॉर्म फिल करेंगे उन सभी की भाई एक मेरिट लिस्ट तैयार करती है खुद डीक्रस्ट मुरथल। ठीक है, जिस भी स्टूडेंट की भाई जेईई मेंस के अंदर रैंक अच्छी होगी उसका मेरिट लिस्ट के अंदर नाम ऊपर आएगा, इसी को बोलते हैं भाई आपका इंस्टीट्यूट लेवल रैंक। तो भाई एप्लीकेशन फॉर्म भी आपने फिल कर दिया, आपने एप्लीकेशन फी भी पे कर दी, मेरिट लिस्ट भी आ गई। अब हम आगे मेन पॉइंट के ऊपर कि आपकी काउंसलिंग कैसे होगी।
तो भाई जो फिजिकल रिपोर्टिंग एंड मार्किंग ऑफ अटेंडेंस अप टू इंस्टीट्यूट लेवल रैंक 250 एज पर टाइम स्लॉट मेंशन इन द टाइम बिलो, ठीक है भाई। जो आपकी मेरिट लिस्ट आएगी उसके अंदर आपके नाम के आगे आपका एक नंबर लिखा हुआ, ठीक है। तो भाई जो आपकी रिपोर्टिंग होगी, जो आपकी काउंसलिंग होगी, वो भाई आपके रैंक के हिसाब से होगी, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स के रैंक भाई आपकी इंस्टीट्यूट लेवल रैंक 1 से लेकर 50 तक होगी, उनकी काउंसलिंग होगी भाई, उनका अटेंडेंस स्लॉट है भाई 9 AM से लेकर 9:30 AM तक। वहीं भाई जिन स्टूडेंट्स के इंस्टीट्यूट लेवल रैंक 51 से 125 के बीच में होगी, उनका अटेंडेंस स्लॉट है भाई 11 AM से लेकर 11:30 AM तक। और जिन स्टूडेंट्स के इंस्टीट्यूट लेवल रैंक 126 से लेकर 250 तक है, उनकी भाई अटेंडेंस स्लॉट है 1 PM से लेकर 1:30 PM तक, ठीक है भाई। तो भाई देख लेना यार, आपका मेरिट लिस्ट के अंदर जितने भी रैंक हो उस हिसाब से आप अपना अटेंडेंस स्लॉट देख लेना, आपको कौन से टाइम पीरियड के अंदर, कौन से टाइम इंटरवल के अंदर आपको रिपोर्ट करना है। अब भाई जो इंस्टीट्यूट लेवल रैंक होगी उसके अंदर हो सकता है कि आपका नंबर भाई 250 से ज्यादा है, मान लो आपका नंबर भाई 450 आ रहा है, 350 आ रहा है या 60 आ रहा है, तो आप क्या सोच रहे हो कि आपका काउंसलिंग के अंदर आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे? तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 250 से ज्यादा जिसकी इंस्टीट्यूट लेवल रैंक होगी उसकी काउंसलिंग भाई नेक्स्ट डे होगी, ठीक है। उसका शेड्यूल क्या है भाई? तो भाई जिन स्टूडेंट्स की रैंक 250 से ज्यादा है उसकी काउंसलिंग 23rd को होगी। क्या टाइम स्लॉट रहेगा? तो भाई जिन स्टूडेंट की ILR 251 से लेकर 400 के बीच में रहेगी, उनका टाइम स्लॉट होगा 9 AM टू 9:30 AM। जिन स्टूडेंट की रैंक 401 से लेकर 650 के बीच में होगी, उनका टाइम स्लॉट होगा 11 AM से लेकर 11:30 AM। और जिन स्टूडेंट की रैंक भाई 651 से अबव होगी, उनका टाइम स्लॉट होगा भाई 1 PM से लेकर 1:30 PM तक, ठीक है। अब भाई दो काउंसलिंग तो भाई आपकी HSTS ऑलरेडी करवा चुकी है, जो कि आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग थी, ठीक है। थर्ड काउंसलिंग भाई आपकी ये होगी, यहाँ पर भाई आपकी थर्ड काउंसलिंग समाप्त हो जाती है। इसके बाद भाई आपकी फोर्थ काउंसलिंग और होती है, ठीक है। तो भाई फोर्थ राउंड काउंसलिंग यानी कि फोर्थ राउंड काउंसलिंग के लिए जो आपका प्रोसीजर है वो भाई कुछ इस प्रकार है। जब आपकी भाई थर्ड राउंड की काउंसलिंग हो जाएगी तो उसके बाद भाई फोर्थ राउंड काउंसलिंग के लिए जितनी भी आपकी सीट्स वेकेंट होंगी उन सभी को भाई आपका ब्रांच वाइज डिस्प्ले कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ऑन 24th October 2021 बाई 5 PM, ठीक है भाई। तो आप देख लेना भाई जितनी जितनी सीट्स आपकी कौन कौन सी ब्रांचेस के अंदर वेकेंट हैं, आप देख सकते हो 24 अक्टूबर को। इसके बाद भाई आपका फिर से सेम वही प्रोसीजर है जो आपका थर्ड काउंसलिंग में था, आपकी अगेन इंस्टीट्यूट लेवल रैंक प्रिपेयर होगी, आपकी अगेन मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी, उसके बाद भाई आपका जो भी टाइम स्लॉट होगा आपको उस टाइम स्लॉट में रिपोर्टिंग करनी होगी। अगर भाई आपके ILR रैंक 01 से लेकर 400 के बीच में है तो आपका जो अटेंडेंस स्लॉट होगा वो होगा भाई 9 AM टू 9:30 AM, ठीक है। अगर आपके भाई इंस्टीट्यूट लेवल रैंक 401 से लेकर 650 के बीच में है तो आपको भाई कॉलेज के अंदर रिपोर्ट करना पड़ेगा 11 AM टू 11:30 AM। नेक्स्ट भाई अगर आपके रैंक यार 651 से अबव है तो आप कॉलेज के अंदर जो आपका अटेंडेंस स्लॉट होगा वो होगा भाई 1 PM टू 1:30 PM। तो भाई यहाँ पर यार आपकी फोर्थ और लास्ट काउंसलिंग समाप्त हो जाएगी, इसके बाद भाई कोई भी एडमिशन नहीं होंगे, ना ही इंस्टीट्यूट लेवल पे और ना ही HSTS लेवल पे। HSTS के तो भाई वैसे भी खत्म हो चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी दो काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद यार एक इंपॉर्टेंट नोट है, फॉर द पेमेंट ऑफ एडमिशन फी द कैंडिडेट विल रिसीव एन अलर्ट थ्रू दियर वैलिड ईमेल आईडी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड आफ्टर रिसीविंग द अलर्ट द कैंडिडेट विल हैव टू पे द एडमिशन फी थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड इन हिज हर लॉगिन आईडी, ठीक है, और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऑन द स्पॉट यूजिंग नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। इसके बाद भाई एक छोटी सी चीज और रहेगी, जो स्टूडेंट बायोमेडिकल इंजीनियरिंग या फिर बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हैं उनका काउंसलिंग शेड्यूल क्या है? तो भाई उन स्टूडेंट्स की पहली काउंसलिंग होगी आपकी 23rd October को, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट को रिपोर्ट करना भाई 8:30 PM और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग वालों की काउंसलिंग स्टार्ट होगी भाई 4 PM से। सेम भाई उसके बाद भाई जो आपकी फोर्थ राउंड की जो काउंसलिंग होगी वो होगी भाई आपकी 25th October को। बायोटेक्नोलॉजी वालों स्टूडेंट की जो काउंसलिंग होगी भाई वो स्टार्ट होगी 3 PM से और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट की भाई काउंसलिंग स्टार्ट होगी 4 PM से। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, सी या।